हे गाइस, वेलकम टू राजश्री फूड। मैं वरुण इनामदार और आज हम बनाएंगे बिहार की एक स्पेशल रेसिपी, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा जो वैसे है वो दो रेसिपीज अलग अलग है। सबसे पहले है लिट्टी जो बनती है गेहूं के आटे की। ये हमने लिया है करीबन एक कप गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़े अजवाइन के दाने जो है करीब आधा छोटा चम्मच, इसको हल्का सा हम इस तरह से पीस लेंगे हाथ में। एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच घी, इसे हम मिला लेंगे। और जिस तरह से हम बिस्किट्स बनाते हैं या कुकीज घर पे बनाते हैं, उसी तरह हमें इसे ब्रेड क्रम्स की जो कंसिस्टेंसी होती है उस कंसिस्टेंसी तक इसे हमें ले आना है। ये करने से हमारी जो लिट्टी है वो अच्छी करारी होती है और घी पीने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो हमारा फ्लार है या आटा है वो ब्रेड क्रम कंसिस्टेंसी का हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, करीब एक चौथाई कप तक पानी इसमें जाएगा। इसे हम गूंदना शुरू करेंगे और जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं बस उसी तरह हमें इसे गूंद के लेना है। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हमारी रेसिपी है वो राजस्थानी जो बाटी होती है उसी की तरह है, बिहार में उसे लिट्टी कहते हैं। इसे अभी हमें ऐसे एक बोर्ड पर लेना है और इसे अच्छी तरह से हमें मल के लेना है। हमारा आटा जो है वो गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसे इक्वल पोर्शंस में हम काट लेंगे। लिट्टी की जो साइज है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होती है। वैसे ऑरेंज या संतरे के साइज की भी लिट्टियां होती है और नींबू के साइज की भी लिट्टियां होती है। ये जो अब हम बना रहे हैं वो है नींबू के साइज की। बस इसी तरह लिट्टी के गोले जो है या आटे की जो लोई है वो तैयार हो चुकी है। अब इसे बेक करने के लिए तीन तरीके हैं। एक तो आप इसे चूल्हे पे कर दे, दूसरे आप गैस पे करें, या तीसरा और ये तरीका जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बेकिंग। इसे 200 डिग्री पर आप बेक करें करीब 20 मिनट तक। जब तक हमारी लिट्टी बेक होती है बना लेते हैं चोखा। चोखा जो है वो एक प्रकार की सब्जी है, सूखी है, गीली है, कॉम्बिनेशन है। इसके लिए तीन इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि तीन अलग प्रकार का चोखा बनता है। सबसे पहला बनता है बैंगन चोखा, दूसरा बनता है आलू चोखा और तीसरा बनता है टमाटर चोखा या टमाटर की चटनी। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है या बेक कर लेना है। बेक करने के लिए आपको 200 डिग्री, बैंगन जो है कम से कम आपको 40 से 50 मिनट रखना होगा। वैसे आप ओपन फ्लेम पर भी कर सकते हैं या चूल्हे में कर सकते हैं। इस तरह से बैंगन पील करके हम एक कटोरी में ले लेंगे और इसी के साथ बेक किया हुआ आलू या रोस्ट किया हुआ आलू और रोस्ट किए हुए टमाटर, टमाटर को भी आप अगर पील करना चाहे या छीलना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब हम एक फोक लेकर इसे अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे ताकि वो हल्का सा मैश हो जाए। हमको बहुत बारीक इसे नहीं पीसना। इसी तरह जो आलू है उसे भी क्रश कर लेंगे और टमाटर कुछ इस तरह से हम उसका रस निकाल लेंगे। अब तीनों का जो फिनिशिंग है वो बस एक समान है। सबसे पहले हम उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। करीब एक कटोरी इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे करीब 2 बड़ा चम्मच प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया करीब 1 बड़ा चम्मच, इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल या राई का तेल जो हमें कच्चा इस्तेमाल करना है, और फाइनली नमक जो हम डालेंगे स्वाद अनुसार। इसी के साथ हमारा चोखा तैयार हो चुका है और वो भी तीन प्रकार का, बैंगन चोखा, आलू चोखा और टमाटर चोखा या टमाटर की चटनी। अब बस इंतजार है लिट्टियों के बेक होने का। हमारी लिट्टी बेक हो चुकी है। अब जो अगला स्टेप है वो है इन लिट्टियों को घी में सोक करके रखना। तो उसके लिए हम एक एक लिट्टी कुछ इस प्रकार उठाकर इसे हम घुमाएंगे और इसे हम ट्रांसफर करेंगे एक बड़े बोल में। इसी तरह हम सारी लिट्टी सोक कर लेंगे
करीब एक कप आटे में हमने 8 लिट्टियां बनाई है और इसके लिए हमने लिया है करीब आधा कप घी। अब जो बचा हुआ घी है हमें इस तरह से इसके ऊपर डालना है। इसे हमें अब कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरह सोक करके रखना है और इसे आप जितना ज्यादा सोक करें घी का स्वाद उतना ही चढ़ता जाएगा। लिट्टी चोखा तैयार हो चुका है, अब करते हैं बिल्कुल देसी प्लेटिंग। हम सबसे पहले लेंगे आलू चोखा, इसी के साथ बैंगन चोखा और फाइनली टमाटर का चोखा या टमाटर की चटनी, ऊपर से हमारी बेक्ड लिट्टी। इसी के साथ हमारे बिहार की स्पेशलिटी लिट्टी चोखा तैयार है। इसे जरूर बनाएं और अपने पूरे परिवार को मजे से खिलाएं। ना भूले वीडियो लाइक करना, शेयर करना और राजश्री फूड को सब्सक्राइब करना।